नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत बेलारी पंचायत स्थित राजकीय कृत हरदीश नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के बीच दल सिंह सराय SDPO दिनेश कुमार पांडे ने आज शुक्रवार 23 सितंबर 2022 को ऑपरेशन संस्कार चलाया, जिसके तहत वे बच्चों के बीच एक शिक्षक के रूप में नजर आए। इस दौरान SDPO श्री पांडे बच्चों को संस्कार, नैतिकता, शिष्टाचार आदि का पाठ पढ़ाते नजर आए। विद्यालय परिसर में पहुंचने के बाद SDPO दिनेश कुमार पांडे ने सर्वप्रथम पर्यावरण को शुद्ध रखने के ख्याल से स्कूली शिक्षकों के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया। तत्पश्चात वह विद्यालय के बच्चों के साथ संवाद करने विद्यालय के सभागार में पहुंचे, जहां उपस्थित बच्चियों ने उनके विद्यालय में आने तथा उनसे संवाद करने की खुशी में स्वागत गान का भी आयोजन किया। सभागार में उपस्थित विद्यालय के शिक्षकों ने भी SDPO श्री पांडे का स्वागत गुलाब के कच्चे फूलों से किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बच्चों के बीच सिर्फ संस्कार होनी चाहिए, उनके बीच अहंकार की कोई जरूरत ही नहीं है। जब तक हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा नहीं होंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति मजबूत नहीं हो पाएंगे और अपने लक्ष्य को पा भी नहीं सकेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों के प्रति सचेत रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें, ताकि हम अपने जीवन में सफल इंसान बन पाएंगे। उन्होंने आजकल के बच्चों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के इस बदलते परिवेश में जाने अनजाने मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन आप सभी बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो केवल पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल करें। मोबाइल पर अन्य कोई भी वीडियो अथवा गेम आदि ना खेलें, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए हमारे पास किताबें हैं, हम किताबों से ही पढ़ाई कर सकते हैं। जब पुस्तक में लिखी किसी बातों को लेकर आपके अंदर संशय पैदा होती है, तो उस संशय को दूर करने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं और फिर उस मोबाइल को अपने घर में रख सकते हैं या अपने माता पिता को दे सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल लेकर कहीं भी नहीं जाना है। उन्होंने उपस्थित बच्चों से यह भी कहा कि हमें सुबह सोकर उठने के बाद सर्वप्रथम अपने माता पिता तथा अपने घर के सभी बड़े सदस्यों का पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए तथा उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है तथा नई ऊर्जा का संचरण करता है। उन्होंने उपस्थित बच्चों को बताया कि अगर कोई आपका साथी किसी गलत संगति में पड़ गया है, तो सबसे पहले उसे एक बार उन गलत आदतों को छोड़ने के लिए बोलें। अगर वे उन गलतियों को नहीं छोड़ता है, तो आप खुद उसका साथ छोड़कर अलग हो जाएं। उन्होंने बच्चों को गलत आदतों में शुमार बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू जनित अन्य पदार्थों से दूर रहने की भी सलाह दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सामानों का उपयोग करने वाले लोग संस्कारी नहीं होते हैं, क्योंकि जहां से संस्कार समाप्त होता है, अपराध की शुरुआत वहीं से हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा संस्कार को बनाए रखें, अपने माता पिता का कहना हमेशा माने, क्योंकि वे आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देते हैं। अगर वह आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वे भी आपके भलाई के लिए ही करते हैं। उन्होंने छात्रों को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति जागरूक करते हुए अनेकों उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। आपको अपने अंदर लक्ष्य को पाने के प्रति जोश व जुनून पैदा करना होगा, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। SDPO श्री पांडे ने बच्चों से कहा कि वे एक समय सारणी बना लें और उसी के अनुसार मन लगाकर पढ़ाई करें। आलस्य का बिल्कुल त्याग कर दें। रोजाना 5 से 7 घंटों की नींद लें तथा रोजाना पढ़ाई के साथ साथ आधा से एक घंटा मनोरंजन के साधन का भी उपयोग करें, ताकि पढ़ाई बोझ न लगे। जवाब में इस संवाद में उपस्थित सभी बच्चों ने भी SDPO दल सिंह सराय दिनेश कुमार पांडे की उपस्थिति में ही यह शपथ लिया कि वे आज और अभी से ही अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे। उपस्थित बच्चों ने SDPO श्री पांडे को यह विश्वास दिलाया कि आने वाले कुछ दिनों में जब वे दोबारा इस विद्यालय में उनके बीच आएंगे, तो उन्हें एक नया माहौल जरूर दिखाई देगा। इस दौरान विद्यालय के करीब आधा दर्जन छात्रों ने SDPO दल सिंह सराय दिनेश कुमार पांडे के समक्ष आकर अपने अंदर की बुराइयों को स्वीकार किया तथा इससे दूर रहने तथा उन बुराइयों को छोड़ने का वचन भी दिया।
मौके पर स्थानीय समाज सेवी शिव प्रसाद सिंह, उज्जियारपुर थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक चिरंजीवी तिवारी, हरदीश नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षकों में राजीव कुमार झा, प्रशांत कुमार, संजीव कुमार, मुकुंद मोहन, तेज नारायण शर्मा, अनु कुमारी, पुस्तकालय अध्यक्ष प्रमोद कुमार रजक, वरीय लिपिक मोहम्मद नसीम नजर सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मामला दर्ज हो गया, कुछ और समस्या हो गई, आपके माँ पिताजी को परेशानी, आपको फिर तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब इसको एकदम मोटे भाषा में कहें तो रास्ते से भटके ही नहीं, जब भटकेंगे ही नहीं, जब संस्कार के साथ जो अनुशासित होकर के नैतिक रूप से काम करेंगे तो जो काम होगा कितना अच्छा होगा आप समझ सकते हैं। जो संस्कारवान व्यक्ति होगा गाली गलौज देगा किसी को? जो संस्कारवान व्यक्ति होगा वो किसी को मारपीट करेगा? संस्कारवान व्यक्ति होगा वो क्या खैनी खाएगा? जो संस्कारवान व्यक्ति होगा 10th 11th का बच्चा कहीं नहीं सुनते सिगरेट पीता सिगरेट पिएगा? और यदि उसको कहीं माँ पिताजी मना करेंगे तो वो उनसे बहस करेगा? संस्कारवान व्यक्ति ऐसा करेगा? जो संस्कारहीन होगा वही ऐसा करेगा। समझ रहे हैं बात? तो इसका मतलब आपके अंदर संस्कार आ गया था वो ऐसा गलत करेंगे। आपके माँ पिताजी जो समझाएंगे, आपके शिक्षक जो समझाएंगे समझेंगे, अच्छी आदत है, मतलब कुल मिलाकर के अच्छी आदत आपके अंदर है तो आप गलत काम करेंगे नहीं करेंगे, और जब अच्छी आदत अच्छा ही काम करेंगे, और जब अच्छा करेंगे तो फिर अपने लिए अच्छा करेंगे, और जब अपने लिए अच्छा करेंगे तो आपके माँ पिताजी के लिए अच्छा होगा, और जब आपके माँ पिताजी के लिए अच्छा होगा तो अगल बगल जो आस पड़ोस के लिए अच्छा होगा। अब सपोज मान लो कि एक परिवार है, एक लड़का है मोहल्ले में और वो संस्कारवान है पढ़ा लिखा, तो अगल बगल आप बोलेंगे क्या अच्छा होगा? अरे यार अगल बगल नाम होगा, अरे अभी तो मोहल्ला का लड़का है क्या, उसी का बोला हाँ मेरा भतीजा लगता है, भाई लगता है, मेरे चाचा ही लगते हैं। और मान लो कि वो जो असंस्कारी लोग चोर हो गया तो कहाँ चोरी करने जाएगा? अगल बगल ही चोरी कर सकता है ना, संभावना है ना। तो संस्कारवान व्यक्ति रहेगा तो उसका लाभ अपने लिए, अपने माँ पिताजी के लिए, अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के लिए, देश के लिए। अब मान लीजिए कि इस विद्यालय में सारे बच्चे अच्छे होंगे तो इस विद्यालय के लिए अच्छा है कि नहीं है? एक विद्यालय का जो है एक इमेज बढ़ेगा कि बढ़ेगा? बिल्कुल। एक क्लियर है, एकदम क्लियर है, कितने लोग सहमत हैं? और जो अभी भी समझते हैं आप नीचे की ताली बजाइए जोरदार अपने लिए। जो अभी भी समझते हैं कि नहीं ये सब बात ये फालतू हो रहा है, हमको तो जाकर के सिगरेट पीना ही है, मोबाइल तो चलाना ही है। एक बच्चा अभी जो फोटो खींच रहे थे, मोबाइल आपका था क्या? नहीं सर, नहीं था ना। मोबाइल कौन बोला यार? और अभी एग्जाम था हम सुने हैं, और एग्जाम में भी कोई मोबाइल आ रहा है समझ? अरे आप जो भी कर रहे हो ना गलत, अपने अपने साथ कर रहे हो, ये बात और याद रखो। आप यदि सिगरेट यदि पी रहे हो कोई ऐसा है, और ऐसा नहीं हम पूरा रिसर्च करके आए हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है तब हम बोल रहे हैं, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप आपका स्वभाव अच्छा है, आप संस्कारवान है, आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। बात को पहले समझो ध्यान से। आप यदि खैनी खा रहे हैं आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं, आप गाली गलौज दे रहे हैं अपने लिए खराब कर रहे हैं, दूसरे के साथ तो ही रहा है, जो कर रहे हैं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। और आज जो बातें होगी तो जो आदत सुधारना है अपनी आदत सुधारना है। तो आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई अपनी लड़ाई अपने आप से है। किससे है? और एक क्या देखने को मिलता है, सब दूसरे को सुधारने में लगा रहता है। भाई हम यहाँ घूम रहे हैं 5 साल से, तो बोलते बोलते तो पहले अपने अंदर भी तो हम सारी चीजें कि हम खैनी खाते हैं कि नहीं, सिगरेट पीते हैं कि नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसा है कि नहीं, संस्कारहीनता है कि नहीं, पहले हम अपने जब ठीक हो जाएंगे तो, और यदि हम ठीक हो जाएंगे तो लोग समझेंगे, अगल बगल भी समझेंगे, या ये लोग जो है हमारे आस पास है वो भी तो पता कर रहे होंगे कि नहीं, ये तो बता रहे हैं कि खैनी खाते हैं कि नहीं अपने, और दूसरे को समझा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो आप जब अपने अच्छे होंगे, आप विद्यार्थी हैं तो आप इर्द गिर्द, अच्छा ये बताओ कि आप यदि छात्र हो तो आप अपना दोस्त क्या चाहते हो? संस्कारहीन की संस्कारवान? आपका जो भाई हो वो संस्कारहीन की संस्कारवान? आपके पिताजी जो हैं
और संस्कारहीन के संस्कारवान है। सोचो संस्कारवान मतलब पिताजी, किसी के सुनते होगे ना कि ये दारू पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, इस तरह का। तो आप सोचो आपकी बहन हो कैसी हो, संस्कारहीन की संस्कारवान। आपके जो शिक्षक हो कैसे हो, संस्कारहीन की संस्कारवान। आपका जो पड़ोसी हो कैसा होना चाहिए, संस्कारहीन की संस्कारवान। मैंने सोचो कि कैसा होना चाहिए कि मतलब बगल वाला पड़ोसी यदि मार करे आपसे रोज उठते ही तो अच्छा है क्या नहीं। मतलब जो आपका हलचल पूछे उठते ही, और बाबू कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या है। आपके पिताजी से पूछे और बैठो चाय पीते हैं हम लोग, तो वही ना संस्कार हुआ। अच्छा पैर छुएंगे माँ पिताजी का तो क्या इसे बोलेंगे क्या पैर छुरा है, गाली देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो आशीर्वाद देंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। खुश रहो, अच्छा से जब एग्जाम देना, अच्छा मार्क्स आए तो थोड़ा सा आपका हिम्मत और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो हमको लगता है एग्जाम समाप्त हो गया, कभी आए और तो अगली बार जो एग्जाम होगा कम से कम उसमें आप लोग पैर छू जाइएगा, ठीक है, अपने माँ पिता जी का। उससे यार अच्छे से आप लोग किए हुआ पहली आदत, उसके बाद सुन लीजिए इधर, शोर नहीं, सुबह उठना, माँ पिता जी का पैर छूना, उसके बाद यहाँ वहां घूमना है क्या नहीं है, टाइम टेबल होना चाहिए अपना, समय पर उठना, यहाँ वहां फालतू नहीं जाना, खेलने का ही समय हो तो सही जगह खेलना। यदि खेलना खेलने के लिए जा रहे हैं और वहां पे उदंड बच्चे हैं जिनको हम समझाने पर नहीं समझा सकते हैं और वहां से हम कोई बुरी आदत सीख करके आ रहे हैं, तो वैसे जगह खेलना अच्छा है क्या, उससे अच्छा हम घर के सामने ही खेल लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अपना टाइम टेबल, समय पर स्कूल आना, समय पर ट्यूशन जाना, समय पर अपना कार्य पूरा करना, ये सब जो आदतें हैं आपके लिए यही संस्कार अनुशासन है, क्लियर है। और जो बोले मोबाइल नहीं यूज करना, अब एक जगह एक बच्ची जो है हमको एकदम डांटने लगी, मैंने बोली कि सर बोल रहे मोबाइल नहीं यूज करना है, हम डर गए अरे भाई मोबाइल नहीं यूज करना है, नहीं भाई ऐसे नहीं बोले मोबाइल नहीं यूज करना है, मोबाइल आपको पढ़ाई के लिए, इधर देखो बच्चियां पीछे, मोबाइल केवल आपको पढ़ाई के लिए यूज करना है, और पढ़ाई के लिए बुक भी है ना, तो बुक के अलावा कहीं आपको कुछ डाउट होगा, कुछ मीनिंग देखना होगा, कुछ और देखना होगा तभी बस, तो बुक आप कहाँ रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं क्या, तो मोबाइल को आप बुक बोल रहे हैं ना, कि पढ़ने के लिए सर आप बोल रहे हैं कि मोबाइल नहीं चलाना, पढ़ने के लिए कुछ देखना पड़ता है, तो बुक जो है उसको पॉकेट में लेके नहीं चलते, तो मोबाइल को पॉकेट में चलते हैं, मोबाइल माँ पिताजी के पास होना चाहिए। यदि बोलते हैं कि नहीं घर ही में, तो घर में रख दीजिए यार, जहां बुक है वहीं रख दीजिए मोबाइल को, जहां बुक है वहीं रख दीजिए, और यदि सारी पढ़ाई मोबाइल से ही करना तो फिर बुक किस लिए है, मतलब कभी कभी जरूरी है ना मोबाइल का। बीच में कोरोना लॉकडाउन रहा तो ज्यादा मतलब निर्भरता बढ़ा उस पर, अब तो बात नहीं, अब क्लासे चल रहा है, बुक है, तो जहां जहां कुछ डाउट है हमको कुछ देखना है, चूंकि अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है हम लोग उससे मदद ले रहे हैं बस उतना ही, क्लियर है। मोबाइल को कैसे यूज करना है, टीवी वगैरह भी फालतू, अभी 24 घंटे पिक्चर वगैरह आता टीवी पे, 24 घंटा आता है ना, एक पिक्चर में 3 घंटा चला जाएगा पर डे, और पहले हम लोगों के जमाने में एक पिक्चर सप्ताह में 3 घंटा आता था, हम लोगों के जमाने में एक पिक्चर सप्ताह में 3 घंटा आता था मात्र, बल्कि 2.5 घंटा संडे को शाम में 4 बजे, और एक दो सीरियल रामायण या महाभारत या इस तरह का जो है एक दो सीरियल आता था, और उस समय भी जो पिक्चर था 3 घंटा उसको भी गार्जियन समझते थे कि बर्बाद हो जाएगा बच्चा देखेगा तो, समझ रहे बात। और अभी कितना आ रहा है, 24 घंटे 24 चैनल पे, एक चैनल पे भी नहीं, उस जमाने में एक पिक्चर एक चैनल पे डीडी दूरदर्शन पे मात्र, और तब भी जो है गार्जियन हम रेडी रहते थे, हम तो आता था संडे को पिक्चर तो किताब तब लिए रहते थे, दरवाजा जो है बंद करते थे मेन दरवाजा, और पिताजी मेरे शाम को आने का टाइम होता 5:30-6 बजे, ये कहानी हम हर जगह बताते हैं, ठीक है, ये कहानी तो बता ही देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ऐसी कोई बात समझ में आ जाए आपको, बस मेरा उद्देश्य है कि जैसे आपको हम समझा लें, तो अपना हम अपना बुक लेकर के, मैंने धोखा अपने साथ, तो बुक लिए रहते थे और पिक्चर एक पिक्चर सप्ताह में मात्र, उसमें लाइट कट भी, मतलब वो पूरा आप एवरेज 1 ही घंटा देख सकते हो, फिर भी गार्जियन को भी पता है कि सप्ताह में आज संडे है, आज पक्का वो पिक्चर देख रहा होगा,
घर पे बाहर नहीं, समझ रहे हो, टीवी में हो बिजनेस घर, मतलब घर वालों के साथ, और अपना बुक लिया ऐसे और लिए हुए हैं और दरवाजा पे अब हम रखते थे एकदम पूरा पहरेदारी कि पिताजी जब ही आएंगे दरवाजा शाम में बंद नहीं होता है जी कुंडली, हम बंद कर देते थे, अब बंद कर देते हैं, वो अपना उधर से मान लो आ रहे हैं, दरवाजा पीट रहे, हम तुरंत बुक लेके पहुंच रहे थे, खोल देते, क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, इस रूम में टीवी चल रहा, उस रूम में जाके अपना पढ़ने लगते थे, तो अभी समझ गए कि अच्छा हम ही को पुरुष बना रहा है। ठीक है रुको बताते हैं। अगली बार क्या किए, एक मोहल्ला के आदमी को लेके आए, मोहल्ला के आदमी को लेके आए अपने साथ, अब वो दरवाजा खुलवाए, तो हम सोचे अच्छा कौन है, तो हम फिर देखा कि अच्छा दूसरा व्यक्ति है, तो फिर दूसरे को भेज दिए, दादी को भेज दिए कि आप दरवाजा खोलिए, वो है गाँव के आए, समझ रहे हो बात, और हम अपना जो है एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान लगाए हुए हैं, और वो क्या किए कि दरवाजा तो खुलवा लिए, अब खुलवाने के बाद वो पीछे थे अपना सीधे एकदम दरवाजा खुल गया, तो फिर तो अटैक, अब फिर तुरंत जो है अपना आक्रमण हुआ एकदम, और आक्रमण के बाद क्या हुआ, समझ रहे हैं बात, पकड़े गए एकदम।